ये देश हिंदुस्तान राम और कृष्ण का देश रहा है। और आज जो राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि रेप कैपिटल हो गया हिंदुस्तान, मुझे तो शर्म आ रही है ये बात सुनकर के। अरे राहुल गांधी से मीडिया को पूछना चाहिए, सबसे बड़ा रेपिस्ट तो नेहरू था जिसने राम और कृष्ण की संस्कृति को बर्बाद किया है। ये नेहरू खानदान की तो देन है, चाहे आतंकवाद हो या नक्सलवाद हो या भ्रष्टाचार हो या फिर आज जो बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हो, ये सब नेहरू खानदान की देन है। हिंदुस्तान के अंदर राम और कृष्ण का देश था। देखिए वैसे तो ये घटनाएं बहुत दुखद घटनाएं हैं और मैं समझती हूँ कि इनका एक ही समाधान है, जो हैदराबाद के अंदर हुआ है समाधान। रेपिस्टों पर ना कोई दलील होनी चाहिए, ना अपील होनी चाहिए, ना ही सुनवाई होनी चाहिए, एट द स्पॉट कार्रवाई होनी चाहिए, जो कार्रवाई हैदराबाद पुलिस ने दी। और पूरे समाज को हैदराबाद की पुलिस को सम्मानित करना चाहिए, इतना बड़ा कदम उठाया है। और अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी की, अपने घर की इज्जत की रक्षा के लिए ये कदम हमें उठाना पड़ेगा, तब बेटियां ये सुरक्षित रहे। देखिए जो लोग एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं ना, चाहे मानवाधिकार हो, पहले मैं मानवाधिकार पे बात कर लूं। जब उस बच्ची के साथ रेप हुआ था, गैंग रेप, जहां जहां भी गैंग रेप होता है, क्या मानवाधिकार वहां जाता है क्या? जैसे ही उन दरिंदों के साथ कार्रवाई हुई तो मुझे शर्म आ रही है कि मानवाधिकार ने उंगली उठानी शुरू कर दी, उन पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। अरे छोड़िए मानवाधिकार की बात, बात करिए दरिंदों को एट द स्पॉट कार्रवाई होनी चाहिए। रही बात मेनका गांधी, मेनका गांधी जी बहुत अच्छी लीडर है, मैं सम्मान करती हूँ। आखिर वो जानवरों से ही तो प्यार करती है ना, तो कौन सी गलती कर दी उन्होंने? वो जानवरों से ही जानवरों को ही प्यार करती, जानवरों को ही बचाने का काम करती है, वो जानवरों को बचाने का ही तो काम करती है, इसलिए उन पर ज्यादा तवज्जो ना दी जाए इस बात पर, ना ज्यादा ध्यान दिया जाए। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर कानून के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अपनी बेटी के न्याय के लिए कानून की शरण लेनी पड़ती है। और हमारे देश का कानून बड़ा लचर है, देर में हमें न्याय मिलता है तब तक जिंदगी बीत जाती। निर्भया की माँ को काश एट द स्पॉट उन दरिंदों को मौत के घाट उतारा जाता, तो ना सरकार का करोड़ों रुपया खर्च होता और निर्भया की माँ को न्याय मिल जाता, दूसरी बेटी के साथ इस तरह की घटना ना घटती। और उन्नाव की बेटी नहीं, जिसके साथ इस तरह की घटनाएं होती है, मैं तो कहती कि उन बेटियों को जरूर इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। हैदराबाद की पुलिस से सबक सीख करके मैं बार बार कह रही हूँ, यूपी की पुलिस को अपना आदर्श मान लेना चाहिए और कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। मोदी योगी जी, आपने बहुत एनकाउंटर यूपी में कराए, क्यों नहीं करा रहे हो इन बलात्कारियों का एनकाउंटर?